हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। मैं रिएक्शन करने लगी हूँ एक और ऐसे क्रिकेटर पर जिसको मैं फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ आज, और ये है रजत पाटीदार जो कि RCB में खेलते हैं। और जैसे कि बहुत से क्रिकेटर्स मैंने कहा था हैं जो IPL में खेलते हैं जिनको मैंने अभी तक देखा नहीं है, सो अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है सबका। IPL आने तक सब पे ऑलमोस्ट रिएक्शन हो जाएगा, फिर जब IPL को फॉलो किया जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो देखते हैं रजत कौन है और कैसे खेलते हैं, लाइक बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, ये क्या है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड कीप सजेस्टिंग मी वीडियो। और देखते हैं कि रजत पाटीदार कौन है। सो लेट्स प्ले, लास्ट पे भी बताऊंगी मुझे कैसा लगा। सो लेट्स प्ले। अच्छा, सो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली हुई है इसलिए ये तो इंडिया का यूनिफॉर्म था ना। सो ही इज रजत पाटीदार, ही इज क्यूट। अच्छा, ही इज प्लेइंग विदाउट हेलमेट है ना, बीच बीच में हेलमेट के बगैर ही खेल रहा है। एटी सेवन नंबर है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में। इतना खूबसूरत बैट्समैन, उसकी बैटिंग देख के किसी को भी उसकी बैटिंग से प्यार हो जाएगा। ओके, द न्यू यंग टैलेंट ऑफ इंडिया। हाँ, शॉट्स तो अच्छी है। अच्छा, अभी तक सारे शॉट्स एक ही स्टाइल की है ना, एक स्टाइल है, एक स्पेसिफिक। साथ ही एक पीछे की तरफ शॉट भी लग गई है। वन अयर सर, कम दो पॉइंट की अगर रजत किसी बॉल पे आउट होता है तो हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि अच्छा बॉल होगा, रजत आउट हुआ मतलब अच्छा बॉल होगा। ओके, ये मैंने एक वीडियो पहले में भी ये क्लिप देखा था, मैं सोच रही थी पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, अब पता चला है रजत के बारे में बात हो रही थी। सो ही इज अ गुड बैट्समैन, इसका मतलब है। ओहो, ही इन फॉर्मल्स लुकिंग गुड। सीरियस सी पर्सनालिटी है ना, डिसेंट सी। बीइंग अनसोल्ड इन ऑक्शन, बीइंग रिजेक्टेड, बिकमिंग मैन ऑफ द मैच। ओके, सो व्हाई ही वाज अनसोल्ड, व्हेन ही वाज अनसोल्ड, स्टोरी ऑफ रजत पाटीदार। अच्छा, 2022 की ऑक्शन में ही वाज अनसोल्ड, देन RCB ने साइन बैक किया, और पहले भी 100। वाओ, वन सेवेंटी सिक्स ऑन इंडिया ए डेब्यू, 71 रन इन 4 गेम्स। बट 2022 में अनसोल्ड रहे, मतलब किस्मत तब साथ नहीं दिया होगा। डिस्ट्रॉयड मेनी टीम्स अलोन। सो RCB ने बैक किया है रजत को, सो ही विल बी इन RCB नाउ, मुझे ऐसा लगता है। डेब्यू इन इंडिया टीम, इंडियन टीम में डेब्यू भी काफी अच्छा रहा था, लिखा हुआ ऐसा। अब तो RCB को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ रजत पाटीदार ने शतक जड़कर ऐलान कर दिया है कि फैफ, विराट, मैक्सवेल और ग्रीन के साथ मिलकर इतना रनों का पहाड़ खड़ा कर दूंगा कि सामने वाली टीम देखते स्कोर हैं देख अब मान क्या होने वाला है। मेजर मिसिंग रजत पाटीदार। तो RCB ने बेसिकली हर टीम ने ना कुछ क्रिकेटर्स को ऐसे सपोर्ट दिया कि वो बड़े लॉयल उनके फिर टीम मेंबर्स बन जाते हैं। सो आई थिंक जैसे सिराज है ना RCB, वैसे रजत भी है, वो अब छोड़ेगा नहीं, लॉयल है मुझे लगता है। RCB के वैसे ही बड़े लॉयल हैं। आउट आउट,
रिवेंज टाइम। अच्छा हेलमेट के बगैर ज्यादा दफा मैंने देखा है वीडियोस में रजत को, ऐसा क्यों? पूरे जोर से पूरे स्ट्रेंथ से ही वाज हिटिंग। ओहो सच अ हैवी यार, सच अ हैवी थिंग ही इज लिफ्टिंग। कितनी आसानी से, और ये जो सामने ट्रेनर है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई टॉय पकड़ रहा है, इतना स्ट्रांग है। वाओ ही इज फिट। ओह माय गॉड, एक हाथ से पकड़ लिया उस ट्रेनर ने। अच्छा इंडियन क्रिकेटर्स बहुत फिट है ना, सारे जो नए यंग भी आ रहे हैं बहुत फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। कैच ड्रॉप अगेन, कैच ड्रॉप सिक्स, दो दफा कैच ड्रॉप कर दिया है, फिर एक छक्का और एक चौका और एक और छक्का मार दिया, एक और छक्का। ओह माय गॉड, छक्के पे छक्का लग गया फिर तो। एप्पल 22 तो आरसीबी में काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आरसीबी की किस्मत अब बस चमक जाए इस दफा। मई 2023 में ही वॉज इंजर्ड, देन सितंबर 23 में he is practicing to get back to the field again. '97 उनका जर्सी नंबर है। तो ये नेट पे प्रैक्टिस चल रही है अकेले ही है ना। ऑब्वियसली ही हैज टू प्रैक्टिस, क्योंकि अभी अनसोल्ड होने का जो दुख है ना, वो दुख तो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इतने ज्यादा क्रिकेटर्स में से अगर आप अनसोल्ड हो जाते हो तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी हार्ड ब्रेकिंग। He is super fit yaar. मैंने एक भी वीडियो में स्माइल करते हुए नहीं देखा रजत को, he is very serious in every video. कितना हैवी होता है ना, और इतना एफर्टलेसली ही इज लिफ्टिंग इट, शोज इट ऑल हाउ स्ट्रांग ही इज। सो रजत पाटीदार काफ़ी अच्छी डिसेंट सी पर्सनैलिटी है, मुझे तो अच्छा लगा है रजत। और लेकिन एक बात है, मैंने किसी वीडियो में हंसते हुए नहीं देखा, हर वीडियो में ही इज़ वेरी सीरियस, और ये भी एक अट्रैक्टिव सी चीज़ है ना। मतलब मुझे तो आई लाइक हिज लुक्स एंड आई थिंक अच्छा खेलता भी है, और जिस तरह से वो जो तारीफ़ की है किसी ने वो वीडियो में कि रजत आउट हुआ है तो मतलब कोई अच्छी ही बॉल होगी। सो ये बात मैंने एक पहले वीडियो में सुनी थी जिसमें मुझे पता नहीं था कि रजत के बारे में बात हो रही है, बट ये एक क्लिप था सो तब मुझे रजत का पता नहीं था, मुझे पता चल गया कि मतलब ही इज़ टू गुड प्लेयर्स, इसलिए ऐसी बात की जा रही है उसके बारे में। और 2022 में आई डोंट नो व्हाई किस्मत इतनी बुरी क्यों हो गई थी कि वो अनसोल्ड था, लेकिन अब अभी तो बहुत यंग है, अभी तो आईपीएल के बहुत सीजन खेलने हैं, इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी चांस मिल ही सकता है। एक्चुअली कंपटीशन ही बहुत इंडिया में यार, इंडियन क्रिकेटर्स हर लिहाज से ही परफेक्ट है, गेम में भी, फिटनेस में भी, लुक्स में भी। सो नेक्स्ट किस पे रिएक्शन करूँ ज़रूर बताना। आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं ना स्पेशली, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, आरसीबी के जितने भी पूरी टीम है बहुत लॉयल है, वो इधर उधर नहीं जाते, बेशक वो जीत भी नहीं रहे लेकिन वो फिर भी उधर ही हैं, तो अब जब वो जीतेंगे ना सो उनको मज़ा ही आ
आ जाएगा कि भाई एक स्टिक रहे हैं वो अपने अपनी जगह पे अपनी टीम पे, और आरसीबी ने बैक भी किया है ना काफी प्लेयर्स को, जैसे रजत को भी जो हार्ड टाइम्स में, वैसे हर टीम ही कहीं ना कहीं ऐसा ऐसे ही कुछ क्रिकेटर्स हर टीम में ही हैं, लेकिन फिलहाल हम आरसीबी की और रजत की बात कर रहे हैं। सो मुझे बताएं किस पे मज़ीद रिएक्शन करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और थोड़ा सा वेट कर लिया करें सबकी सजेशन पर रिएक्शन आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।